अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 की ओवरव्यू की पार्ट 2 की वीडियो बना रहे हैं। इस ओवरव्यू की पार्ट 1 की वीडियो बन चुकी है, वो मैंने यहाँ आई बटन में डाल दिया, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ आईएस फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, जिसमें आईएस और एलएम हमारा शिफ्ट करेंगे, और नंबर सेकंड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस की बात करेंगे विद डिफरेंट स्लोप ऑफ आईएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हमारे पास जो आईएस करता टी नॉट पर, आईएस टी नॉट पर था और एलएम एम नॉट पे था। हमारी जो एक जर्नल हमारा एक विनियम था वो इस पॉइंट पे था, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट आर नॉट और इनकम वाई नॉट। तो टैक्स कट की वजह से हमारा टैक्स कट की वजह से टी नॉट से टी वन तक हमारा टैक्स कट हुआ, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिए, तो आईएस हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। आईएस हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट बढ़ी, लेकिन साथ में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया आर वन डैश तक। तो इंटरेस्ट रेट का इफेक्टिवनेस कम करने के लिए सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी एम नॉट से एम वन तक, जिससे हमारा एल एम कर्व भी शिफ्ट हो गया। और ये इन रेशो से हुआ है कि ये इंटरेस्ट रेट वापस आर नॉट पे आ गया और हमारी जो आउटपुट है वो वाई नॉट से वाई वन तक चली गई। इन दोनों पॉलिसी का टुगेदर, जैसे कि इधर नीचे मेंशन भी किया, टुगेदर द टू पॉलिसी एक्शन वुड इंक्रीज आउटपुट टू वाई वन विद द इंटरेस्ट रेट रिमेनिंग एट आर नॉट। तो फिस्कल और मॉनिटरी पॉलिसी को ऐसे यूज कर किया गया कि इंटरेस्ट रेट हमारा जो है वो कांस्टेंट रहा है, रिमेन उसी आर नॉट पे रहा है, लेकिन हमारी आउटपुट इंक्रीज कर गई। तो अगर हम दोनों पॉलिसी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना ले, ऐसा कॉम्बिनेशन बना ले, तो हम अपनी आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं और हमारे इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का हमारे इनकम और हमारा जो आउटपुट है और इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि इधर ये बॉक्स में शो कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ मनी सप्लाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेवेन्यू। तो इसके इंक्रीज करने से हमारे पास इनकम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मनी सप्लाई अगर हमारी इंक्रीज होगी, जैसे हमारा एलएम शिफ्ट हो जाता है, उससे हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, नेगेटिव साइन का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट हमारा डिक्रीज करेगा, और पॉजिटिव साइन का मतलब है वाई के साथ पॉजिटिव है, तो हमारा इनकम जो है वो इंक्रीज करेगा अगर मनी सप्लाई हम इंक्रीज करते हैं। और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो इनकम है वो भी इंक्रीज करता है और साथ में जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज करता है। इन दोनों का पॉजिटिव इफेक्ट है दोनों पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का इनकम भी इंक्रीज होती है इससे और इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता है। और अगर हम टैक्सेस बढ़ाते हैं, तो इस जिससे हमारा आईएस है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं, उससे हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिक्रीज करता है, लेकिन हमारी आउटपुट जो है वो भी डिक्रीज कर जाती है। और अगर हम इसको रिवर्स में कर ले कि मनी सप्लाई डिक्रीज, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अगर डिक्रीज में हम इसको पढ़ना चाहते हैं, लेट सपोज हम मनी सप्लाई के डिक्रीज देखना चाहते हैं, इधर हमने इंक्रीज की बात की, अगर मनी सप्लाई को हम डिक्रीज करेंगे तो इधर नेगेटिव साइन आएगा, जिससे मनी सप्लाई की डिक्रीज से हमारा आउटपुट डिक्रीज कर जाता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो हमारा है वो इंक्रीज कर जाता है। सेम उसी तरह गवर्नमेंट का जो है वो नेगेटिव होगा असर, इफेक्ट उसका नेगेटिव होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर हम डिक्रीज करते हैं, उससे हमारी आउटपुट भी डिक्रीज कर जाती है और हमारा इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज कर जाता है। और अगर टैक्सेस हम डिक्रीज करते हैं, तो उससे हमारा आउटपुट भी इंक्रीज करता है और इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज करता है। तो ये थी इनकी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की रिलेटिव इफेक्टिवनेस। अब हम इसको ग्राफिकल देखते हैं। ग्राफिकल हम इसको डिफरेंट स्लोप्स के साथ देखेंगे, कोई स्टीपर होगा, कोई फ्लैटर होगा, और वर्टिकल केस भी होगा। इधर हमारे पास है मॉनेटरी पॉलिसी का एलएम, अगर ग्राफ भी आप देखें तो एलएम शिफ्ट कर रहे हैं और आईएस के डिफरेंट स्लोप हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्टिवनेस है जब हमारे पास आईएस के डिफरेंट स्लोप होंगे। जब हमारे पास
आईएस का स्लोप जैसे कि ए पार्ट में शो किया गया है स्टीपर होगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा होगा, जबकि आउटपुट पे उसका थोड़ा सा इफेक्ट होगा। आउटपुट ये अगर वाई नॉट और वाई वन में आप गैप देखें तो ये थोड़ा सा है, लेकिन आर नॉट और आर वन में गैप ज़्यादा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा होगा और आउटपुट पे कम होगा अगर हमारा आईएस स्टीपर है, और अगर हमारा आईएस फ्लैटर है जिसकी बी पार्ट में हमारे पास है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट आउटपुट पर ज़्यादा होगा और इंटरेस्ट रेट पे कम होगा। ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये गैप हमें बता रहा है, आर नॉट और आर वन का गैप हमें बता रहा है, और ये वाई नॉट और वाई वन का गैप। और अगर हमारा आईएस बिल्कुल वर्टिकल होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर सिर्फ पड़ेगा, जबकि उसका इफेक्ट उस पर आउटपुट पे नहीं होगा। आउटपुट हमारी कांस्टेंट रहेगी जबकि इंटरेस्ट रेट हमारा गिरेगा। अब हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिवनेस एंड द स्लोप ऑफ आईएस का। आईएस के डिफरेंट स्लोप्स के हमारी जो इधर हमारा एलएम कांस्टेंट रहेगा और आईएस के डिफरेंट स्लोप होंगे स्टीपर, फ्लैटर और वर्टिकल, और उसमें शिफ्ट आएगी, तो फिस्कल पॉलिसीज को हम कहते हैं। तो उसका इफेक्टिवनेस हम देखते हैं कि उसमें क्या आता है। अगर हमारा आईएस जैसे पार्ट ए में स्टीपर है तो आईएस जब हमारा शिफ्ट करेगा उसका इफेक्ट जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी ज़्यादा होगा और आउटपुट भी ज़्यादा होगा, मतलब जो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा रेशो के साथ बढ़ेगा और हमारा जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा रेशो के साथ बढ़ेगा। ये हुआ फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट। और पार्ट बी में अगर हमारा आईएस जो है वो फ्लैटर है तो उसका जब उसमें शिफ्ट आएगी तो उसका तो रेशो कम होगा रिलेटिवली पार्ट ए से, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट और आउटपुट पे थोड़ा सा इफेक्ट होगा। हमारी थोड़ी सी जो आउटपुट इंक्रीज करेगी और थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। और अगर हमारे पास आईएस वर्टिकल है जब उसमें शिफ्ट आएगा तो आउटपुट पे ज़्यादा असर पड़ेगा, आउटपुट पे इफेक्ट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, जबकि इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज करेगा लेकिन वो उस रेशियो से नहीं करेगा। अगर आप इधर देखें तो आर नॉट और आर वन में गैप कम है जबकि वाई नॉट और वाई वन में गैप ज़्यादा है, तो इसका इफेक्ट इनकम पे ज़्यादा होगा जब आईएस वर्टिकल होगा हमारे पास। तो ये चैप्टर इधर एंड हुआ, और ये उसके डिफरेंट स्लोप के साथ मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस और फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस हमने देखी, इसका हमने कॉम्बिनेशन देखा। इसकी बाकी ओवरव्यू हम चैप्टर 7 के ओवरव्यू पार्ट 1 वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें हम कर चुके हैं। और हमारे पास इधर प्लेलिस्ट भी आपको इधर शो हो रही होगी, तो उसमें हमारा चैप्टर 6 और चैप्टर 7 कंप्लीट, अब इस वीडियो के साथ चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो गए, और नेक्स्ट हम चैप्टर 8 भी करेंगे, उसके हम देखते हैं कितने पार्ट्स की वीडियो बनती है। तो चैप्टर 8 तक उनमें आएगा चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।